बेसिक रिसर्च जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, बेसिक रिसर्च यानी कि जो रिसर्च बिल्कुल ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर नॉलेज, जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात आधारभूत, इसी को विकसित करके फिर अप्लाइड भी बनाते हैं। बेसिक रिसर्च इज लाइक सीड, थ्योरी आते हैं, फिर आता है प्रैक्टिकल रिसर्च। प्रैक्टिकल रिसर्च वैसे आपको ज्यादातर बेसिक और अप्लाइड ही होता है। प्रैक्टिकल रिसर्च उसी का एक हमने जरा और विस्तार से बता दी। प्रैक्टिकल रिसर्च उसको कहते हैं जिसमें शोधकर्ता सुझाव भी देता है, कुछ सिफारिशें या अनुमोदन भी करता है, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। और अप्लाइड रिसर्च जब आप जैसे किसी अखबार का सर्कुलेशन कैसे बढ़ाया जाए तो रिसर्च करके कोई बताता है कि दीज आर द टिप्स, ये अप्लाइड है। सीधा आप अखबार चला रहे हैं या अखबार का सर्कुलेशन कैसे बढ़ाया जाए या अखबार की संपादकीय सामग्री को कैसे बढ़ाया जाए या अखबार में भाषा का कैसे किस तरह से विकास हो, जो भी उस तरह का जो सीधा अप्लाइड एक्शन। और एक्शन रिसर्च भी एक प्रकार का अप्लाइड रिसर्च ही होता है, लेकिन एक्शन रिसर्च थोड़ा छोटे माइक्रो लेवल पर होता है और अप्लाइड थोड़ा माइक्रो ब्रॉडर लेवल पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे डिपार्टमेंट विभाग का भी ये कोई इक्विपमेंट ये हो गया, पढ़ाते पढ़ाते हमारा ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट मान लीजिए फेल है, वो हमने इस पर एक्शन लिया और इसको ठीक किया, करेक्ट किया। और पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर कोई सर्वर फेल कर रहा है तो टॉप लेवल पर उसको पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पर एक्शन लिया गया, तो वो हो गया अप्लाइड। जो ये रिलेटिव टर्म अप्लाइड एंड एक्शन, बोथ आर अप्लाइड बट एक्शन इज जनरली शॉर्ट एंड इन अ माइक्रो स्मॉल टाइनी लेवल, वेयर एज अप्लाइड इज इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड वाइडर स्पेक्ट्रम, बड़े पैमाने पर।